हेलो एवरीवन, इट्स मी सलमान एंड यू आर वाचिंग सलमान वे चैनल। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं इस तरह के अपडेट सबसे पहले आप लोगों को देता हूँ। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो तो बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग अच्छा लग ही रहा होगा। इस मेरा जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, मुझे उम्मीद है मैं जो भी भाई लोगों से एक लाइक तो जरूर अपने भाई के लिए बनता है, यू नो गाइस। चलिए गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो गाइस मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं अभी कुछ टाइम पहले लाइव आया था। आप लोग अगर जो लोग ज्वाइन हुए होंगे तो उनको पता होगा, तो इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी बैड थी, वीक थी, जिस कारण मुझे यहाँ पे यू नो कि वहाँ से एग्जिट होना पड़ा है लाइव सेशन से, क्योंकि सारी आवाज़ प्रॉपर वे में आवाज़ नहीं आप लोग सुन पा रहे थे, नहीं लाइव स्ट्रीमिंग अच्छे से नहीं हो रही थी, यू नो लैग हो रही थी वीडियो। तो मुझे लगा कि जो भी बात मैं बताना चाहता हूँ आप रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को बता दूँ। ओके, तो आज जो मैं बताऊँगा चार पांच चीज़ बताने वाला हूँ जो कि ऑफिशियल है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज़, और वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा पेशेंस से देखिए और स्किप नहीं करें। यहाँ पे ऑफिशियल सारी अपडेट देने वाला हूँ। तो क्या अपडेट है, अपडेट को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये मैं बोलने वाला हूँ कि आप लोगों का जो पहला अपडेट ये है कि कानूनगो का क्या ट्रेनिंग ऑनलाइन होने वाला है या नहीं होने वाला, अगर होने वाला है तो कब होने वाला है, राइट, वो बताने वाला हूँ। सेकंड मैं ये बताने वाला हूँ, वीडियो में थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा ना बने, राइट। हाँ, सेकंड ये बोलने वाला हूँ कि आप लोगों को जो कल मैं वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ट्रेनिंग आप लोग की पोस्टपोन हो सकती है डेट, तो क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, ऑफिशियल बात करूँगा। और यहाँ पर मैं ऑफिशियल भी बताऊँगा कि क्या ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन होगी, और होगी तो किस रीज़न से होगी। और उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिन न्यूज़पेपर वाले ने छापा था अपने प्रेस वाले ने न्यूज़ में, उनका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास, वो भी मैं सुनाऊंगा। दूसरा अपडेट ये रहा, तीसरा अपडेट ये है कि वेटिंग लिस्ट वाले का क्या होगा, उसका भी मेरे पास अपडेट है, वो भी मैं ऑफिशियल दिखाऊंगा। ओके, तो यार सारा कुछ तो ऑफिशियली हो गया, तो चलिए करते हैं वीडियो सारा सीधा देखते हैं, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट वेट गाइस, एक चीज़ बताना मैं तो भूल ही गया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे खास SSA वाले के लिए यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ। क्या स्टडी करना है आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को PDF दिया गया पढ़ने के लिए, जो भी कैंडिडेट है LRC के, यहाँ पे मैं उनके अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अभी मैं कुछ टाइम पहले लाइव आया था, जैसे आप लोग देख रहे हैं 45 भी हुए थे, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गया बिकॉज यहाँ पर नेट काफ़ी वीक था। तो ये सारी बात होगी, चलिए सीधा चलते हैं ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि मैं काफ़ी लेट कर चुका हूँ, आप लोग आई थिंक यू नो फ्यूरियस भी हो गए होंगे, राइट। तो ये अपडेट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको पीछे कर लेता हूँ। हाँ, पहला अपडेट ये रहा गाइस, ये आप लोग देख रहे हैं कि क्लास इनविटेशन SSA कानून को A1 ट्रेनिंग सेल DLRS गूगल क्लासरूम हेलो ट्रेनिंग कॉल DLRS ट्रेनिंग कॉल DLRS, जो कि ये बोला गया है कि डायरेक्ट जो लैंड रिवेन्यू जो नया वेबसाइट है वो यहाँ पर DLRS उसका शॉर्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर डेट अभी नहीं दिया गया है कारण को कि ट्रेनिंग की, लेकिन उनको मेल पे आ चुका है इस तरह का फॉर्मेट, तब उनकी बहुत जल्द ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है, ये मैं इन्फॉर्म आप लोग को कर दिया हूँ यहाँ पे। तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आप लोग का यहाँ पे काम चल रहा है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके 10-15 दिन बाद आप लोग की सारी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी फटाफट 1-to-1। हाँ, ये अपडेट है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ गाइस कि आज मेरे द्वारा राजस्व विभाग के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त किया गया है उस जानकारी को मैं अपने ज्येष्ठ अनुज भ्रातों से शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, आज के पेपर कटिंग का कोई मायने नहीं रखता, आई मीन कल का जो पेपर मैंने दिखाया था उसकी बात हो रही है। सभी पद का नियुक्ति 100% लॉकडाउन 10 दिन के बाद ट्रांसपोर्ट का आवागमन होने के बाद होगी। नंबर 2, सभी पद का ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, SSA का ट्रेनिंग 16 दिन का होगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और राइट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ओके, आगे मूव ऑन होते हैं हम लोग, और आगे ये लिखा हुआ यहाँ पे है कि वेटिंग वाले के लिए जो मैंने बोला था कि इन्फॉर्मेशन है ये है, यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है कि वेटिंग वाले भैया लोग का भी नियुक्ति 100% होगा, जो सभी भाई लोग वेटिंग में हैं उनका उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई भी नीड नहीं है यहाँ पे, ये सब जानकारी 100% सही। आपका सभी का प्यारा साथी जो कि बिहार बोर्ड ऑफ छात्र संघ है, उन्होंने ये शेयर किया था मुझे मैसेज इस तरह का व्हाट्सएप पे, तो मैंने यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ लीगल है, सही है, फेक कुछ भी यहाँ पे नहीं है, आप लोग तो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे ये सारी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इंसान में इस ख्याल आ जाती है तो मुझे बताना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से अपडेट होगी। अब मैं अपडेट जो देने वाला हूँ, जो कि आप लोग को अभी भी शायद यू नो कि भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये सारी चीज़ अपडेट सही है या गलत है, तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जो कि आई थिंक ये गूगल के आई मीन सॉरी यूट्यूब के
पॉलिसी के खिलाफ है या नहीं है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मुझे लगा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट दे सकता हूँ, सुना सकता हूँ, जो कि ये रिकॉर्डिंग एक बंदे ने किया था। तो मैं चलिए अब मैं आप लोगों को सीधा रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, और तो थोड़ा आप लोग पैसेंस रख के रिकॉर्डिंग सुने, अच्छे से सुने, आई थिंक आप लोग सुन भी चुके होंगे, जिन लोगों ने नहीं सुना वो अच्छे से सुने और समझने की कोशिश करें, जो लोग सुन लिए हैं वो भी अच्छे से सुने और सोचें और समझने की कोशिश करें, राइट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी हम विजय यादव बोल रहे हैं सर, प्रभात खबर के संपादक जी बोल रहे हैं ना? मैं संपादक जी बोल रहा हूँ, संवाददाता बोल रहा है, बताइए ना। अच्छा जी ठीक है संवाददाता जी, सॉरी सर, जानकारी ये लेनी थी कि सर आपने जो न्यूज डाली है सर गुरुवासी में पेपर में, कौन वाला वो जो लैंड रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से संबंधित जो 8,000-7,000 के समथिंग जो बहाली है, जो योजना मद में कटौती हो सकती है और बहाली प्रक्रिया ज्वाइनिंग चल सकती है, क्योंकि सर बात क्या है कि हम लोग का ज्वाइनिंग ऑलरेडी मिल चुका है, 23 मार्च को ही ज्वाइनिंग थी। तो और अभी हमें डायरेक्टर महोदय से बात हुई है, जयसिंह सर से, तो उन्होंने जो हमें जानकारी दी कि आप प्रभात खबर से पूछो और विभाग से ऐसा कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है, उन्होंने ऐसा खंडन किया। तो मैंने सर आपका नंबर हमको मिला तो सोचे कि आपसे डायरेक्ट बात कर ले, क्योंकि आप ही तो नहीं खाते हैं, तो सर बात क्या है सही सर, क्योंकि लड़कों में बहुत हताश है सर। हताश क्या है, नौकरी लगा तो हताश कौन क्यों है? देखिए बात क्या जी जी, आप समझिए केंद्र सरकार जो है जी जी, इन लोग का बात नहीं है, केंद्र सरकार जो है अपने योजना मद में समीक्षा कर रही है, गैर योजना मद में बजट का जी जी, गैर योजना मद मतलब कि जो योजना में नहीं, जो सैलरी होता है ये होता है उसी के तहत जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो की है ना कंट्री जी जी, हाँ तो उसी के तहत सब वगैरह सब की है जी। तो अब समीक्षा करेगी, अगर कटौती करती है तो जी, क्योंकि सर्वेक्षण का 90% काम से सरकार से ही पैसा फंडिंग से होता है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझा है ना जी। अगर वो करती है तो अब विभाग पाया कि भाई आप इतना योजना मन में कटौती कर दीजिए जी जी, तो ये है कर दीजिए, तो विभाग का मन की वो करेगा या दूसरे तरह से करेगा या जो भी करेगा जी 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 जी, जी। तो चूंकि अब वो अधिकारी हैं तो उनके पास जब लिखित सूचना आएगी वो सब करेंगे भाई, तब वो बोलेंगे ठीक है जी जी। वो तो हम लोग ये खबर खाली संभावना तो है, अभी कुछ ऐसा है नहीं जी जी जी, उतना आप खबर भी पढ़ेंगे तो केंद्र सरकार कर रही है, तो अगर करती है, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो ये अगर मगर वाली खबर है, आप उसको टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं चूंकि सर बात सर हम लोग तो ऑलरेडी मल्टीनेशनल PSU में हम लोग जॉब कर रहे थे सर, और हम और 1,000 समथिंग लड़का ने रिजाइन मार दिया है सर। और सुनिए और जी और सुनिए कि अगर मान लीजिए चलना भी होगा जी, तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना जी जी है ना, नौकरिया तो होइएगा आप लोगों का। अरे सर तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, जो भी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड किया हूँ, तो शायद कुछ कुछ यहाँ पे वॉइस क्लियर नहीं हुई तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मोटा मोटी चीज़ तो समझ गए होंगे कि ये अगर मगर वाली न्यूज़ थी, उसमें कुछ भी ऐसा डिपार्टमेंट को कुछ भी ऐसा यहाँ पे जयसिंह सर को इन्फॉर्मेशन नहीं था, ये सारी चीज़ जो न्यूज़ में आया है। तो जयसिंह सर ने कहा कि जिन्होंने छापा उनसे जाके आप लोग वहाँ पे पुष्टि करें, बात की जानकारी लें, इन्वेस्टिगेशन करें, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को जो फीडबैक मिला है, जो कि पत्रकार थे शायद संवाददाता थे प्रभात खबर को, उन्होंने कहा ये अगर मगर वाली बात है, ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर होता भी है तो 1-2 महीना आप लोग का पोस्टपोन होगा ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइनिंग, तो इसमें ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं ले राइट, बस आप लोग ठीक काम करना, स्टडी करना, पढ़ना है और घर पे रहना, सेफ रहना, खुद को भी सेफ रखना, परिवार को भी और दूसरे को भी राइट। तो मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस कारण, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर से मैं आप लोग से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर जरूर कर दे, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू वेल्थ।